कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों से छुपाया जा रहा है सच। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है, तो इन्फॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर उठाए सवाल, कहा क्या होगी इसे खत्म करने की रणनीति सरकार बताए। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा नहीं सुनी जा रही है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात। जोन्स को लेकर भी राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा राज्य नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर तय किया जा रहा विभाजन। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस नेता को बिना सोचे समझे बोलने की है आदत। है उसमें कुछ भी नया नहीं है, वो उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति यानी फितरत के हिसाब से बगैर अध्ययन किए बगैर विषयों की जानकारी लिए हुए प्रेस के सम्मुख आने की अपनी पुरानी आदत के हिसाब से किया है। मजदूरों के मामले पर राहुल ने सरकार को दी नसीहत, कहा खाते में ट्रांसफर करें 7,500 रुपए। पश्चिम बंगाल से लौट रहे मजदूरों का झारखंड बॉर्डर पर हंगामा, रोके जाने के बाद हाईवे पर हो रहा हंगामा। पिछले 3 दिन से बॉर्डर पर फंसे हैं बिहार और यूपी के करीब 500 मजदूर, झारखंड सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। कर्नाटक के मंगलौर में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, घर जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में जमा हुए प्रवासी मजदूर, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, वेतन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। कठुआ में मजदूरों ने सड़क पर की तोड़फोड़, पुलिस प्रशासन की तरफ भरोसा मिलने के बाद शांत हुआ मामला। कठुआ में मजदूरों ने रो रोकर सुनाई दर्द भरी कहानी, फैक्ट्री मालिकों पर लॉकडाउन के दौरान तनख्वाह नहीं देने का आरोप। वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है, हम लोगों को 2,000 तनख्वाह दिया, बीवी बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं, ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। कर्नाटक के हासन में डीसी दफ्तर के बाहर मजदूरों की घेरेबंदी, घर वापसी की ट्रेन को लेकर प्रशासन पर बनाया दबाव। दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुई पहली श्रमिक ट्रेन, करीब 1,000 मजदूरों को लेकर पहुंचेगी मुजफ्फरपुर। मुंबई से यूपी के लिए चली पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, मेडिकल जांच के बाद 1400 मजदूरों की रवानगी। गोवा से मजदूरों को लेकर निकली पहली श्रमिक ट्रेन, 1200 लोगों को लेकर पहुंचेगी गोवा। 2 कंटेनरों में भरकर तेलंगाना से राजस्थान के नागौर पहुंचे 120 मजदूर, पुलिस ने भेजा क्वारंटीन सेंटर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की मौत। जालना से भुसावल के लिए निकले थे मजदूर, 37 किलोमीटर चलने के बाद आ गई नींद, पटरी पर ही सो गए। भुसावल से मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे 19 मजदूर, 3 की बची जान। पीएम मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर जताया दुख, राहुल का हमला, कहा मजदूरों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म करे सरकार। पंजाब से रेलवे ट्रैक पकड़कर आजमगढ़ आ रहे पिता पुत्र की मालगाड़ी से कटकर मौत, पूरे इलाके में मचा कोहराम। शाहजहांपुर में नॉनस्टॉप श्रमिक ट्रेन से कूदे 5 मजदूर, बाल बाल बचे, पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर में भेजा। जयपुर की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का रेला, बिहार के लिए पैदल ही निकले। पैदल लौट रहे मजदूरों से योगी आदित्यनाथ की अपील, कहा धैर्य रखें, की जा रही है वापसी की व्यवस्था। थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 56,342 पर पहुंची मरीजों की तादाद, 24 घंटे में सामने आए 3,390 नए केस। कोरोना से अब तक 1,886 लोगों की मौत, 24 घंटे में 103 लोगों की जान गई। 29% से ज्यादा है कोरोना का रिकवरी रेट, ठीक हो रहा है हर एक तीन में एक कोरोना मरीज। 32 दिन में दोगुने हो रहे हैं कोरोना के केस, देश के 216 जिलों में नहीं है वायरस का संक्रमण। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, अब तक 19,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में 1,089 नए मरीज, अब तक 731 की मौत। गुजरात में कोरोना के 7,012 मामले, पिछले 24 घंटे में 327 नए केस, अब तक 425 मौत।
गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है राजधानी अहमदाबाद, 5000 से आसपास पहुंचे मामले। दिल्ली में 5980 लोगों में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में सामने आए 448 नए केस, अब तक 66 लोगों की मौत। दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों के बीच भी कोरोना की घुसपैठ, 45 लोग पॉजिटिव, चपेट में है एम्बुलेंस कंपनी से जुड़े स्टाफ का परिवार। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से की सुरक्षा बलों की मांग, सीएम उद्धव ने कहा लॉकडाउन में रहना पिंजरे में रहने के समान, लेकिन हमें मानने पड़ेंगे नियम। मुंबई में हटाए गए बीएमसी के कमिश्नर प्रवीण परदेशी, शहरी विकास मंत्रालय में हुआ तबादला, आईएस चहल होंगे नए आयुक्त। वापस लौटे सिंगापुर में फंसे हिंदुस्तानी, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई वापसी। कोच्चि हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान, क्वारंटीन के लिए भेजे गए भारत लौटे मुसाफिर। कोझिकोड में उतरी एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट, दुबई से 182 यात्रियों को लाया गया। मालदीव से समंदर के रास्ते लौट रहे हैं हिंदुस्तानी, माले से निकला नौसेना का जहाज। दिल्ली में ई कूपन से भी हो रही है शराब की बिक्री, कई इलाकों में शराब की दुकान के बाहर दिखी भारी भीड़। चेन्नई में शराब की दुकानों को खोलने का विरोध, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाए लाठी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी सीबीएसई की 10वीं 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं, मानव संसाधन मंत्री ने दी शुभकामनाएं। लॉकडाउन 3 के दौरान अयोध्या में शुरू हुआ मंदिर निर्माण, अब तक सिर्फ 4 मजदूर कर रहे थे काम। कोटा में फंसे 1250 बच्चों को लेकर सहरसा पहुंची ट्रेन, होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश। कोलकाता से समस्तीपुर आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, आइसोलेशन वार्ड में भेजे गए। सासाराम में नारायण मेडिकल अस्पताल से कोरोना के 12 मरीज ठीक होकर लौटे घर, अस्पताल के चेयरमैन ने जताई खुशी। पंजाब के नवा शहर में बड़ा हादसा, खेत में गिरा लड़ाकू विमान, MiG-29 दोनों पायलट सुरक्षित। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में भूमि विवाद में एसिड अटैक, 12 लोग जख्मी, 9 की हालत गंभीर। झारखंड के गढ़वा में निर्माण काम में लगे मजदूरों पर गिरी छत, 2 की मौत। बिहार के सुपौल में अपराधियों के हौसले बुलंद, गोलीबारी में एक युवक की मौत, मौका वारदात पर उमड़ा लोगों का हुजूम। पूर्वी दिल्ली में शराब बेचने के शक में पुलिस वालों ने की एक युवक की हत्या, पिटाई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। कपूरथला में लॉकडाउन के बीच सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, गेस्ट हाउस से पकड़ी गई 2 लड़की। महाराष्ट्र के नासिक में फर्नीचर कंपनी में भीषण आग, 35 लाख के नुकसान की आशंका। हापुड़ में अस्थियां विसर्जन करने जा रहे कैंटर ने कार सवार लोगों को कुचला, 3 की मौके पर मौत। गोंडा में एक घर में बकरी घुसने को लेकर 2 गुटों में झड़प, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। दतिया में कोरोना वॉरियर्स का अद्भुत सम्मान, ड्रोन से की गई फूलों की बरसात। लखनऊ में मुस्लिम समाज ने किया पुलिस वालों का जोरदार सम्मान, छतों से की फूलों की बारिश। वाराणसी में एक शख्स ने तैयार किया रोबोट, पुलिस को देगा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों की जानकारी। रायपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किल। 99 अंकों की बढ़त के साथ 31,642 पर बंद सेंसेक्स, निफ्टी 52 पॉइंट्स बढ़कर 9,251 पर रुका। मूडीज ने 2020-21 के लिए भारतीय जीडीपी का अनुमान घटाकर 0% किया, वित्तीय घाटे और सरकार के कर्ज में बढ़ोतरी की आशंका। अप्रैल के अनुमान से ज्यादा खराब होंगे ग्लोबल इकोनॉमी के हालात, IMF ने वित्तीय बाजार को ज्यादा झटके लगने की जताई आशंका। SBI ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट में 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की, रेपो रेट के लिंक रेट को घटाया। मई से 3 महीने तक कर्मचारियों की सैलरी कट करेगी इंडिगो एयरलाइन, लीव विदाउट पे के तहत काटी जाएगी तनख्वाह। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बंद करने के ऐलान से सेबी और फ्रैंकलिन टकराव, सेबी ने फ्रैंकलिन को तुरंत पैसे लौटाने को कहा, फ्रैंकलिन ने मांगी माफी। अमेरिकी कंपनी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ रुपए में रिलायंस जियो की 2.3% हिस्सेदारी खरीदी, 8 दिन में तीसरी डील। एशियन पेंट्स की 4.9% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 7,400 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। 6,000 रुपए सस्ता हुआ OnePlus 70 Pro स्मार्टफोन, अब 47,999 रुपए कीमत। शाओमी ने 3,499 में लॉन्च किया मी बॉक्स 4K स्ट्रीमिंग डिवाइस, नॉर्मल टीवी को भी स्मार्ट टीवी में करेगा कन्वर्ट। एमआई ने लॉन्च किया 10 5G स्मार्टफोन, शुरुआती कीमत 49,999। लॉकडाउन के 7 हफ्तों में अमेरिका में खुद को बेरोजगार बताने वालों की संख्या बढ़कर 3.35 करोड़ हुई, श्रम मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। आसलर मित्तल को 2020 की पहली तिमाही में $1.1 अरब का घाटा, पिछले साल इस दौरान कंपनी को हुआ था $40 करोड़ का मुनाफा। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए श्रीलंका ज्यादा खर्च करने वाले पर्यटकों को लुभाएगा, ईस्टर धमाकों से लेकर कोरोना ने किया है जोरदार नुकसान।
फेसबुक और गूगल के कर्मचारी पूरे साल कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। कंपनी ने दी साल के आखिर तक घर से काम करने की छूट। अमेरिका में एक दिन में 2,500 से ज्यादा लोगों की जान गई, 77,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। शी जिनपिंग ने दुनिया को दी कोरोना संकट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की नसीहत, कहा मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी हारेगा जानलेवा वायरस। अमेरिकी दबाव के आगे झुक गया चीन, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच में करेगा WHO की मदद। हर रोज कोरोना का टेस्ट कराएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक सहयोगी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया फैसला। पाकिस्तान में कल से खत्म हो जाएगा लॉकडाउन, हटा ली जाएंगी कारोबार और बाजारों पर लगी पाबंदियां, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। फ्रांस में 11 मई से चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा लॉकडाउन, रेड जोन वाले इलाकों में जारी रहेंगी पाबंदियां। रविवार को इंग्लैंड में हो सकता है लॉकडाउन में ढील का ऐलान, पीएम बोरिस जॉनसन बोले अधिकतम सावधानी पर देंगे ध्यान। नॉर्वे में सोमवार से खोल दिए जाएंगे स्कूल कॉलेज, 1 जून से बार खोलने की इजाजत, 15 जून से शुरू हो सकती है खेल प्रतियोगिता। कोरोना की वजह से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को लग सकता है 14% का झटका, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जताई आशंका। कनाडा में $3 बिलियन के कोरोना फंड का ऐलान, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के वेतन में बढ़ोतरी के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। तापमान बढ़ने घटने से नहीं है कोरोना का कोई लेना देना, कनाडा की एक रिसर्च में किया गया दावा। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया में फैल रही है नफरत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किया आगाह। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के लिए उत्तर कोरिया ने की चीन की तारीफ, किम जोंग उन ने शी जिनपिंग को भेजा संदेश। कोरोना संकट के बीच ग्रीस में कलाकारों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन, मदद की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। जापान में भी कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर के इस्तेमाल की इजाजत, अमेरिका के बाद दूसरा देश बना। लॉस एंजलिस के फूल बाजार में देखी गहमा गहमी, मदर डे की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अमेरिका के इंडियाना में एक शिक्षक का अनूठा प्रयोग, छात्रों को गले लगाने के लिए अपने चारों तरफ बनाया प्लास्टिक का घेरा। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी, ओक्लाहोमा के रेस्टोरेंट में एक महिला ने की कर्मचारियों पर फायरिंग। इसराइल में पिछले एक साल से चल रहे सियासी संकट पर फिलहाल लगा ब्रेक, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए नेतन्याहू को दिया न्यौता। कोरोना संकट के बीच पूर्वी अफ्रीका में भीषण बाढ़ का कहर, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। अमेरिका में फ्लोरिडा के जंगलों में आग, तेज हवाओं से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में भी नुकसान की आशंका।